मुंबई के कांदिवली पश्चिमी में एक इमारत में भीषण आग लगी है। आग कांदिवली पश्चिम के वीना संतूर बिल्डिंग में पहली मंजिल पर लगी। आग पर काबू पाने के लिए बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड कांदिवली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हालांकि आग भीषण लगी हुई थी, आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की मंजिल पर रहा रहे लोगों को खाली कराया गया है। आग करीब 11:30 के बीच में लगी है, लेकिन फायर को 12:30 बजे काल मिला है। 5 लोग घायल है जिन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। दोनों माँ और बेटे हैं। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया है। मौके पर मौजूद मुंबई फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड विभाग के मुताबिक मृतकों की पहचान ग्लोरी वॉलफटी और जोसू जेम्स रॉबर्ट के रूप में हुई है। वहीं 3 घायलों लक्ष्मी बुरा, राजेश्वरी भर्ती और रंजन सुबोध शाह के रूप में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे इमारत की पहली मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। अधिकारियों ने कहा कि आग जल्द ही उस मंजिल की बिजली का तार के वायरिंग के जरिए पूरी इमारत में फैल गई है। आग पहली मंजिल पर लगी, धुआं ऊपर तक गया। जिन 2 लोगों की मौत हुई उससे 4th मंजिल पर थे। आग लगने के बाद वो अपने घर से बाहर बचाव के लिए निकले, लेकिन काली जहरीले धुएं में फंस गए। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उन्होंने कहा किचन में आग लगी थी, तो किचन पूरा जल रहा था। जब वो आई अंदर तो किचन में आग लगी थी और उनके साथ में एक ओल्ड लेडी भी थी, उनके सासू की सास थी मतलब। तो उन्होंने उनको लेके बाजू के रूम में शेल्टर लिया। मेन टाइम क्या हुआ था कि दरवाज़ा बंद करना वो भूल गई शायद, वो दरवाज़ा खुला था तो वो अंगार धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया। बाजू के फ्लैट में भी फैला धुआं अंगार, वैसे वो स्टेयर कैसे ऊपर चला गया। अच्छा, घर में जो फोम के गद्दे वगैरह होते हैं, वुडन फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग और ये सब सामान होता है, तो उसकी वजह से क्या काला धुआं निकलता है, दैट इज़ सफोकेटिंग एंड चोकिंग। तो वो धुआं पूरा ऊपर चला गया, अब धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया, अंगार भी फैल गया। और मिन टाइम 1 घंटा लगा था, जैसे हमको कॉल मिला, हमने आने के बाद तुरंत हमने फायर फाइटिंग चालू कर दी और हम जो इंजर्ड पर्सन थे उनको फिर फर्स्ट एड करके हमने सेफली उनको नियर बाय हॉस्पिटल भेज दिया, शताब्दी हॉस्पिटल में भेज दिया। सर, तो सर इस मामले में कैजुअलिटी कितनी है, कितने लोगों को इंजरी है? 5 कैजुअलिटीज़ है, इंक्लूडिंग माई 1 फायरमैन, उनको भी थोड़ा पेट में जला हुआ है थोड़ा सा, बट ही रिफ्यूज टू गो टू हॉस्पिटल। बाकी 5 कैजुअलिटीज हमारे रिकॉर्ड में है। 5 लोगों को यहाँ से देखेंगे, उसमें से मौत कितने लोगों की हुई? उसमें 2 की मौत हुई है, एक बच्चा है 6 साल का और एक 42 एज की एक लेडी है, उनकी शायद उनकी मदर है, अभी मशीन चालू है, ऑफिसर वहाँ पे गए हैं। सर आग किस फ्लैट में लगी थी और ये जिन लोग इस आग के चपेट में आए ये किस फ्लैट में थे? आग लगी थी 1st फ्लोर पे, 121 ये फ्लैट में आग लगी थी। जैसे मैंने बोला दरवाज़ा खुला था वो अंगार, और बाद में जैसे क्योंकि जैसे फ्लैट पूरा एंगल्फ हो गया तो धुआं और अंगार उसमें से बाहर निकल के ऊपर फैल गया। लेकिन अंगार 1st फ्लोर पे था, लेकिन धुआं था वो ऊपर ट्रैवल कर रहा था ज़ोर से। और ये जो कैजुअलिटीज़ हुई है ये 4th फ्लोर पे हुई है, 421। जैसे 421 में वो धुआं पहुंचा था तो उनका फ्लैट तो बंद था, लेकिन किसी ने फ़ोन करके बोला कि आग लगी है, तो पैनिक हो गए और दरवाज़ा खोल के दे ट्राई टू गो टू अपर फ्लोर और डाउन, जहां भी जाना चाहते थे, लेकिन उसमें वो फंस गए। उसमें एक लेडी थी, उनका लड़का था 6 साल का, लेडी की उम्र थी 42 और 2 मेड थी, तो 1 मेड तो तुरंत अंदर आ गई, बाकी ये 3 जन चपेट में आ गए। सर, इसमें क्या बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम जो क्या काम कर रहा था, क्या फायर ऑडिट इसका क्या था, क्या ये भी जांच की जाएगी? अभी फायर फाइटिंग सिस्टम भी पूरा जला हुआ है और मेरे ख्याल से वो बंद ही था, अभी हम देखेंगे चालू करके देखेंगे इसको करेंगे इसके बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से वो बंद ही था क्योंकि हमने देखा तो पूरा जला हुआ था। दूसरा एक जो आपने कहा कि आग किचन में लगी थी, तो क्या ये पता चल रहा है कि किसी अप्लायंस में क्या आग लगी थी, कौन से प्राइमरी रीज़न? 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो किचन पे कुछ रखा हुआ बर्तन, क्योंकि वो जो लेडी थी वो अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल गई थी, लाने गई थी ऐसे कुछ था, तो दैट मे प्लेयर अप मतलब भूल जाते हैं इसमें वो दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन उन्होंने कहा है एकदम श्योर शॉट कि मैं कोई बर्तन रख के नहीं गई थी। सेकेंडली, जो पीएनजी गैस का कनेक्शन था उसमें से लीक होके कहीं पे हो सकता है, दैट इज़ सेकेंड रीज़न। और थर्ड रीज़न है कि वहाँ पे एक लकड़े का भगवान का ये भी था,
दीवारा बोलते हैं ना इसको, जहाँ हम लोग पूजा वूजा करते हैं वहाँ पे दिया लगाते हैं भगवान का, स्वीट ऑयल लैम्प बोलते हैं, तो दैट में टॉपर डाउन, तो उसकी वजह से भी अंधार लग सकता है, तो दिन रीज़न है, पर शिल्डी अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर ये जो चौथे फ्लोर पर रहने वाला परिवार है, पीड़ित परिवार जिनके घर के दो सदस्यों की मौत हुई, ऐसी जानकारी मिली कि वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पॉल वलथाटी, उनका परिवार है, उनके परिवार के बाहर से आए थे, ऐसी कुछ जानकारी? नहीं, अभी वो चालू है इन्वेस्टिगेशन, अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके उनका कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो तो बाद में बताएंगे। क्या आपको लगता है कि कॉल जो है वो अगर फायर ब्रिगेड को थोड़ा जल्दी किया जाता तो शायद? हाँ, अभी मैं वही कह रहा हूँ कि 11:15 के दरमियान आग लगी है और हमको 12:20 तक कॉल मिला है, तो एक घंटे में अगर ये बहुत देर तक जलता रहा, आप जैसे देख रहे हैं ना, आपने वीडियो देखा होगा जी, पूरे आई कैन शो यू ऑल्सो, हाँ, तो जिस तरह से वो मतलब वो जल रहा था जी, तो इतना जलना मतलब ये अगर इनिशियल स्टेज पे समझ में आता तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था। पैनिक में क्या होता है, पब्लिक पैनिक में कोई बुलाता है नहीं, बोलते सो पैनिक में कैसे करना कि पीपल डोंट नो हाउ टू कॉल, 101 डायल नंबर सिंपल नंबर है, दे कैन ऑल्सो कॉल, बट कभी हमको जो ऑफिशियली कॉल मिला है तो 12:20 को ही मिला है। थैंक यू सर। देखिए नवरात्रि का माहौल चल रहा है, सुबह थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए, तो मैं अपने खिड़की में खड़ा था, तो जब मैंने देखा कि आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी, फिर मैंने कांदीवली पुलिस चौकी को फ़ोन किया और हमारे श्री गोपाल शेट्टी साहब के ऑफिस में फ़ोन किया, साहब को इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पर आग लगी है, तब से यहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ मैं खड़ा हूँ। कितने लोग इंजर्ड हुए? करीबन 5-6 जन इंजर्ड हुए हैं, उसमें 2 जन की थोड़ी सी पोजीशन मीडियम क्रिटिकल है, शताब्दी में उनका भी इलाज चल रहा है। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम धर्मेश जोशी। विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड में फोन किया, पुलिस लोगों को फोन किया और लगभग सभी लोग सही समय पर आ गए, और खास करके स्थानीय लोगों ने मिलकर जितना भी फायर को कंट्रोल करना था पहले चरण पर उन्होंने किया, इसलिए ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुआ है, अभी बाकी आगे का पता चलेगा धीरे धीरे क्या है, आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये तो छानबीन का मामला है, तो करेंगे संबंधित। कितने अभी 4 हुए ऐसा पता चला है, 4 लोगों को हॉस्पिटल में लेके गए। रेसिडेंट घर का है। थैंक यू सर।